हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है और मेरा नाम है खुराम। आज का वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है क्योंकि भाई माता पार्वती पढ़ाओ अपने पूरे कर रही हैं और उनको पुराना पिछला जन्म सारा कुछ याद आ चुका। आप देखते होता है क्या, तो स्टार्ट कितने अच्छे लगे। हाँ सती माता की याद ताजा दिला देते हैं। भगवान शिव जी देखिए, माता पार्वती आ गई। बिल्कुल करीब है ना, सारी बात है सामने। जब मनुष्य सुखकारक भाव अथवा दुखकारक भाव को तटस्थ रूप में ग्रहण करने के योग्य हो जाता है, तब वह आनंद कोश को पार कर जाता है। फिर आनंद कोश को पार कर जाता है। ये क्या लम्हा होगा जब माता पार्वती जाएंगी भगवान शिव जी के करीब। वो कैसे उठाएंगे, क्या होगा और भगवान शिव जी का रिएक्ट क्या होगा। ये चीजें बड़ी मायने रखती है। ये चीज फाइनली माता पार्वती की कामयाब हुई। माता पार्वती की जय। पाने के लिए ये लम्हा आपने तो हमसे अपार प्रेम किया और हमने
चुपते ही पर संजय कर पिता के मुंह में आकर आपका अपमान और आपकी अवेदना की एक तरफ से खुशी और इमोशनल का लम्हा है यार जिस तरह इस कलंक का प्रायश्चित तो हमें करना ही था अग्नि द्वारा दहन होना ही था यही हमारा दंड था तक्ष द्वारा दिए हुए इस नश्वर शरीर और आदिशक्ति की अमर आत्मा दोनों पुनः तप करके आपके चरणों में समर्पित है परंतु आपने अपने आप को दंडित क्यों किया ये देखा ना कितनी कर्म तो दूषित हमारा था फिर उस अग्नि की ज्वलंत ऊष्मा से आप अब तक क्यों तप रहे हैं महादेव उठिए महादेव अब आपकी जलन खत्म होने का टाइम क्या कारण है हमें हमें आपकी इस गंगोर वेदना का आभास तक नहीं हुआ यार आप छोटी थी फिर बड़ी हो आपका प्रेम हमारे प्रेम से श्रेष्ठ है किंतु यदि आप हमसे इतना ही प्रेम करते हैं तो क्यों नहीं बुला लिया हमें अपने पास इस दुनिया से भगवान शिव कितना प्यार करते हैं फिर क्योंकि हमारी प्रतीक्षा इतने वर्षों तक हमारा शरीर तो मनुष्य का है किंतु आप तो भगवान है तो फिर क्यों नहीं बुलाया हमें यार आ रही चीज है सारे अद्भुत होते हम आपके सम्मुख हैं सामने आपकी अर्धांगिनी अब तो अपने नेत्र खोलिए महादेव उस त्रुटि के लिए हम क्षमा भी क्या मांगे पर हमारा कोई वश नहीं था बंधे हुए थे हम शरीर की मर्यादा के अधीन परंतु अब हम नवीन मर्यादा के साथ अपने पत्नी धर्म के पालन हेतु आपको पुनः समर्पित है अब तो अपने नेत्र खोलिए महादेव अब माता पार्वती यार कसम से बहुत टाइम इंतजार कर इनकी एक आवाज तक नहीं बहुत टाइम इनके एक तरह से 24-25 वर्ष गुजर गए अच्छा अब हम समझे आप हमसे रूठे हुए हैं ना और हो भी क्यों ना आपका पूरा अधिकार है हमसे रोटने का कितना कुछ सहा है आपने हमारे लिए बहुत कुछ सहा किंतु एक बार अपने चक्षु खोलिए महादेव हम आपको शीघ्र ही मना लेंगे क्या भगवान की आपको जो भी कष्ट हुआ वो हमारे पिछले जन्म की अयोग्यता के कारण था सुन तो मैं किंतु इस जन्म में हम उसी अयोग्यता की क्षतिपूर्ति है तो आपको समर्पित है अपने आप को सजा मत दीजिए कृपया अपने नेत्र खोले महादेव और हमें बताएं क्या आपके योग्य कैसे बन सकते हैं हम संभव असंभव वो हर प्रयास करेंगे
उचित है स्वामी, स्वयं ही अपने आप को आपके योग्य बनाने का उपाय भी ढूंढ लेंगे। किंतु आप एक बार हमें देख तो ले। भगवान शिव जी आंखें टकने को रहे, उन्होंने सॉरी भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, यार भगवान शिव जी अभी भी समाधि से बाहर नहीं आ रहे। और खुर्रम क्या मतलब भगवान शिव जी बात भी सुन रहे होंगे? यार मेरे ख्याल से तो सुन रहे होंगे बिल्कुल। समाधि में जो बैठे हुए ना, एक तरह से जो बंदा कहता है एक बेजान कह दे लेकिन उसमें ताकत होती है, तो भगवान शिव जी उस तरह है समाधि में यार। लेकिन अब ये कैसे बाहर आएंगे यार? यार ये तो बिल्कुल हिल पा नहीं रहा है। हाँ ना, हिल पा नहीं रहा है। और माता पार्वती ने बोला कि मैं एक तो उन्होंने जो पहले बोला था कि मैं अब आपके योग्य बन गई हूँ, फिर उन्होंने कहा कि मैं आपके जैसे अब अपने पूरे को ढाल लूंगी। हाँ। लेकिन माता पार्वती को अब बनना पड़ेगा। और बन चुकी हैं अब, वो तो तीन वो पांच पड़ाव यही तो थे, अब वो बिल्कुल बन चुकी है। हाँ। तो तभी वो पांच पड़ाव उनके कम्प्लीट हुआ, फिर वही गुफा वाला सब हाँ। कुछ आ गया। और फिर भगवान शिव जी की और सीधे जाके पांव को हाथ रख लिया यार। वो मैंने कहा यार यकीन करें कसम से, मैंने कहा जैसी माता पार्वती जैसे छुआ था ना, तो मैंने कहा भगवान शिव जी की आंखें खुल गई। कसम से मैंने छूते भी है, मतलब क्योंकि ये आदि शक्ति जी है ना और माता पार्वती भी है, तो लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन यार वो हमारे लिए भी कि माता पार्वती कितना रो रही थी, कह रही मुझे पता आप रूठे हो, मैं जिस तरह वो पत्नियां करती है मनाती है, लेकिन भगवान शिव जी बिल्कुल नहीं हिल रहे यार। मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई नाराज ना हो, क्योंकि अब टाइम ऐसा है कि भाई अब इनके मिलन में कोई भी ऐसी बाधा ना आए। लेकिन यार एक बात बताऊं, भगवान शिव जी बहुत जले हैं यार, यकीन कितना अर्शा। और खुद सोच कि हम सिर्फ दो तीन दिन चार दिन इस तरह अगर रहे और खाए पिए बगैर, तो हम तो लगता है कि बचेंगे भी नहीं। नहीं ना, वही ना। लेकिन भगवान है, देवों के देव महादेव है यार, जाहिर बात है। अब ना अब आगे देखेंगे तो तभी इसके बारे में आइडिया होगा कि अब आगे आखिर होता है क्या। हाँ, वीडियो खत्म कर दे तो बाय।